गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम हिंदी में करने जा रहे हैं व्यंजन प, और व्यंजन प लिखने से पहले सबसे पहले मैं आपको उससे संबंधित प व्यंजन से संबंधित कुछ चित्र मैं आपको दिखाऊंगी। ये है प से पतंग, प से पथ, प से पहिया, प से पपीता, प से पत्र। अब व्यंजन प को हमें दो लाइन में किस तरह से लिखना है ये देखिए। सबसे पहले हम ऊपर की लाइन को टच करते हुए एक सीधी लाइन जोड़ो, बीचों बीच आके आपको हल्का सा टच करना है, और आड़ी लाइन करके इसे सीधी लाइन जोड़ दीजिए, और माथे पे आपको पूरी आड़ी लाइन देना है। प से पतंग, प से पपीता, प से पक्षी, प से फल। देखिए यहाँ से आप सीधी लाइन करके हल्का सा मोड़ देना है, और आड़ी लाइन करके उसे सीधी लाइन जोड़ दो, जोड़ा हुआ पता चलना चाहिए, और सर पे आपको एक आड़ी लाइन। फिर से एक बार देखिए, ये हो गया हमारा आज का जो व्यंजन है प। प से पपीता, प से पहिया, प से पत्र, प से पतंग, प से पथ, प से पक्षी, प से पर। एकदम आसान है ये प, जी जिसे आपको उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं उसे बोलते बोलते बच्चों ये जो आज का व्यंजन है इसे आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा करना है। ओके बच्चों।